और एक और है, गिर रहा है सारा सामान इधर। चाहे आपकी शादी हो रही हो या हो चुकी हो या आप न्यूली ब्राइड हो, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसी है आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी एंड मैं भी अच्छी हूँ। और जिनकी भी लाइफ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम चल रही हो तो मैं भगवान जी से दुआ करूंगी कि उनकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। सो चलिए चलते हैं आज के वीडियो के बारे में टॉक करते हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो है मीशो बैंगल्स हॉल। इसमें मैंने ब्यूटीफुल से करे जो कि एक अनमैरिड गर्ल्स भी वेयर कर सकती हैं, ब्राइडल चूड़ा करा एंड बहुत सारी अच्छी अच्छी वैरायटीज की मैंने इसमें बैंगल्स ऐड करी है। सो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर कितने सारे वैरायटीज आप लोगों के लिए लिए हैं। ये देखिए, ये भी है एंड ये भी है और एक और है, गिर रहा है सारा सामान इधर उधर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जो सबसे फर्स्ट वाला बैंगल है वो मुझे कुछ इस तरह की पैकेजिंग में रिसीव हुई थी एंड इसे जब ओपन करते तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा गोल्डन वाला, आप इसे कड़ा बोल सकते हैं या फिर आप इसे वो जो मोटा वाला जो चूड़ा के बीच में लगा के पहनते हैं वो भी बोल सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगा, बहुत प्रिटी सा है। आप लोग देख सकते हैं, मैं तो सामने से दिखा देती हूँ। इस पर ये पूरा पूरा ही इसमें एडी का वर्क हो रखा है, ये बहुत प्रिटी है। एंड मैं मुझे प्राइस एक्यूरेट नहीं पता है, मैं प्राइस स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। ये मुझे लगता है अराउंड 200, ये 200 के अंदर ही है। एंड इसमें मुझे ये एक नहीं दो रिसीव हुआ था, एक ये था एंड सेकेंड पैकेजिंग कुछ ऐसी थी, इसमें ये था, ये व्हाइट एंड गोल्डन ये कॉम्बो में चल रहा था तो मैंने इसे परचेस कर लिया था। ये देखिए, ये एक व्हाइट है एंड एक गोल्डन है, ये बहुत ही सुंदर लगता है। आप इसे चूड़ा के साथ भी वेयर कर सकते हैं एंड आप इसे ऐसे भी वेयर कर सकते हैं अगर आप ऑफिस गोइंग गर्ल हैं या फिर घर में नॉर्मली अगर आपको वेयर करना है तो आप ऐसे पहन सकते हैं इसे। देखिए ये कितना सुंदर सा लुक प्रोवाइड करता है, ये बहुत ही अच्छा लगता है। मैं इसे दोनों हाथों में पहन के दिखा देती हूँ। पहनने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। और ये जो एक गोल्डन में था और एक व्हाइट में था तो व्हाइट वाला कुछ ऐसा था, व्हाइट वाला भी बहुत ज्यादा सुंदर है। देखिए इसमें भी पूरा ये एडी वर्क हो रखा है, ये भी काफी सुंदर लगता है। एंड इसे भी आप बैंगल्स के साथ भी वेयर कर सकते हैं एंड ऐसे भी वेयर कर सकते हैं, काफी अच्छा लगता है ये भी। हाँ ऐसा नहीं है कि मैंने इस दोनों को अलग अलग परचेस किया है, ये एंड ये दोनों एक साथ थे एंड अच्छा है, वर्थ इट। सो नेक्स्ट जो बैंगल्स है वो है ये, मुझे इस तरह के पैकेजिंग में रिसीव हुई थी। ओ ये चूड़ा चूड़ा ये इतना इतना है होता है, ये बस इतना इतना ही है। आप बहुत होता है ना कि बहुत जगह ये रूल होता है, जैसे मेरे ससुराल में भी ये रूल है कि आपको सवा महीना सिर्फ चूड़ा ही पहनना होता है, तो वहां पे आप ऐसा चूड़ा वेयर कर सकते क्योंकि ये ज्यादा भी हैवी नहीं होता है एंड रेगुलर बेसिस पे डेली यूज में काफी अच्छा लगता है। पहनने के बाद ये बहुत ही अच्छा लुक देता है, मतलब अच्छा लगता है। मुझे चूड़ा पर्सनली मुझे चूड़ा बहुत अच्छा लगता है। कुछ ऐसा चल रहा है, इसमें भी ये दो दो बैंगल्स एक में अटैच्ड किए हैं। एंड अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो वेट मैं दिखाती हूँ, देख सकते हैं आप लोग इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, काफी अच्छी है इसकी क्वालिटी। एंड ये यहाँ पर एडी वर्क हो रखा है एंड ये व्हाइट वाला है, तो एक ये है। ये मुझे 124 में पड़ा था, मैं सारे प्रोडक्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां से परचेस कर सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे आप लोग ले सकते हैं। सो सेकंड चूड़ा जो है वो कुछ इस तरह का है, ये बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद, मैं इसे भी पहन के दिखा देती हूँ। अगर आप न्यूली ब्राइड है या फिर आपको चूड़ा पहनना ज्यादा अच्छा लगता है लेकिन काम करने के टाइम में वो होता है ना कि ज्यादा हैवी चूड़ा पहन के वर्क नहीं हो पाता है, तो उस टाइम आप ये चूड़ा वेयर कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। सो जो नेक्स्ट बैंगल्स है वो है ये मुझे कुछ इस तरह की पैकेजिंग में रिसीव हुई थी, मैंने इसे देख लिया है बट फिर भी मैंने इसे इसी में डाल दिया था क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाना है। सो ये तो काफी अच्छा है, देखिए तो
है, ये 234 में पड़ा था। अगर आप एक बार ये 234 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं ना, तो ट्रस्ट मी आप बहुत अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है, इसमें 12 पीसेज ये मिलते हैं, जिसमें कि कुंदन मिरर वर्क हो रखा है, ये मिरर वर्क है, काफी अच्छा लगता है। एंड इसमें 4 ये इस तरह के कलर रिसीव होते हैं, इसे आप चूड़ा में भी इंक्लूड करके पहन सकते हैं। मतलब मैंने वही सारे बैंगल्स इस हॉल में इंक्लूड किए हैं ना, जो कि आप ऐसे भी वेयर कर सकते हैं, चूड़ा के साथ भी वेयर कर सकते हैं, क्योंकि चूड़ा में का बीच वाला तो सारा रेड रेड ही होता है, बस अगल बगल का जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन का होता है। क्योंकि चूड़ा में जो ये बीच वाला होता है, ये तो आप रेड पिंक किसी भी कलर का लें, लेकिन अगल बगल आप अच्छा अच्छा डिजाइन खुद से बना सकते हैं। अब देखिए, अगर आप इसे ले लीजिए, कितना प्रिटी सा हो गया, इसे भी आप चूड़े के अगल बगल लगा के पहन सकते हैं, तो मुझे ये काफी अच्छा लगा। इसमें 12 पीसेस मुझे ये रिसीव हुई हैं, इसमें कि मुझे ये 12 पीस की ये रिसीव हुई है। देखिए नजदीक से देखिए इसकी क्वालिटी, देखिए इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। ये 12 पीस रिसीव हुए हैं मुझे, एंड इसके साथ ये 4 इस तरह के भी करे रिसीव हुए हैं। ये देखिए ये 4 करे, इस पर वो जो छोटा वाला पर्ल होता है ना, पर्ल को कट करके, वो हाफ पर्ल वर्क है। एंड इसकी फिनिशिंग काफी अच्छी है, इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है, तो मैं इस चूड़े से 100% सेटिस्फाइड हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो देख लिया और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को क्लिक करके जरूर जाइएगा। सो चलिए नेक्स्ट चूड़ा देखते हैं कि मैंने नेक्स्ट चूड़ा कौन सा मंगाया है। सो नेक्स्ट चूड़ा मुझे कुछ इस तरह के पैकेजिंग में रिसीव हुआ था, धनलक्ष्मी बैंगल्स। वाओ, ये मुझे कुछ ऐसा रिसीव, ये मैंने इसलिए लिया था क्योंकि अगर मैं ये एक सेट ले लेती हूँ, तो मैं इसके अंदर ये जो मैरून सा चूड़ी लगा हुआ है, इसके अंदर मैं किसी भी तरह की किसी भी कलर की बैंगल्स लगा के वेयर कर सकती हूँ अपने ड्रेस के साथ, काफी अच्छा जाता है। देखिए इसके अंदर ये जो मैरून है ना, ये वेलवेट वाला बैंगल्स है, वेलवेट बैंगल्स जो होता है वो है, एंड ये पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है मैं इसे। एंड इसकी भी फिनिशिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, अगर इसके ये एडी नक की बात करें तो इसमें साइनिंग बहुत अच्छा है, काफी अच्छा है साइनिंग, आपको कैमरे पे उतना नहीं पता चल रहा होगा। और ये भी 230, मतलब अभी तक मैंने जितने भी बैंगल्स दिखाए हैं वो सब अंडर 250 है। देखिए ये भी काफी अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, मैं इसे पहन के दिखाती हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है, एंड जैसा मुझे लगता है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, तो आप लोग एक बार ये जरूर परचेज कीजिएगा। देखिए ये पहनने के बाद कुछ ऐसा लगता है, ये बीच में इसके वेलवेट वाला बैंगल्स है, काफी अच्छा लुक देता है। सारे प्रोडक्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां से लिंक के थ्रू जाकर परचेस कर सकते हैं। जो नेक्स्ट बैंगल्स, जो मेरा नेक्स्ट चूड़ा है ना, वो ट्रस्ट मी आपके लिए बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या बोलूं, आपको बहुत पसंद आने वाला है, चाहे आपकी शादी हो रही हो या हो चुकी हो या आप न्यूली ब्राइड हो, मतलब कि ट्रस्ट मी अगर आप अनमैरिड भी है तो आप ये चूड़ा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये चूड़ा बहुत ही अच्छा है। एंड वो चूड़ा मुझे कुछ इस तरह की पैकेजिंग में रिसीव हुआ था, मुझे इसकी पैकेजिंग काफी अच्छी लगी, मुझे सच में सीरियसली अब तक मैंने जितने भी प्रोडक्ट दिखाए ना, उनमें से सबसे अच्छी पैकेजिंग मुझे इसी की लगी। ये मुझे 334 में पड़ा, ओनली ये मुझे 334 में पड़ा, 334 रुपए में ऐसी क्वालिटी की बैंगल्स आपको मिल रही है, आप इसे लैठी भी बोल सकती हैं। एंड इसका जो मटेरियल है ना, वो भी बहुत अच्छा है, आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, मेरी तरफ से वर्थ इट है। एंड इसे भी इन लोगों ने एक पेपर में फोल्ड किया था, एंड ये है वो चूड़ा जो है सदा सौभाग्यवती भव। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, इसमें इसके साइड में आपको ये करी मिलेंगे जिसमें प्योर कुंदन वर्क हो रखा है, एंड इसकी शेप भी बहुत अच्छी है, इसके पूरा यहाँ पर ये सब पे कुंदन वर्क हो रखा है। इसमें आपको ऐसे 4 कड़े मिल जाएंगे, इन्हें भी आप किसी भी और अदर चूड़ी के साथ भी मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं। एंड इसका ये जो कड़ा है ना, आप सिर्फ इसे भी पहन सकते हैं,
इस यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सदा सौभाग्यवती भव, कितना प्रिटी लग रहा है ना, उल्टा दिख रहा है। यहाँ पर सदा सौभाग्यवती भव लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा है ये। एंड ये मैंने मेरे घर में कुछ ओकेजन होने वाले हैं, मैंने उस टाइम के लिए रखा है कि मैं इसे उस टाइम पे पहनूंगी। तो क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो आप लोगों में से जो भी बिहार से बिलोंग करता होगा उसे पता होगा कि पूजा के टाइम में न्यू चूड़ी पहनते हैं एंड सब कुछ न्यू होता है। तो ये मैंने उसी पर्पज से मंगाया, सो मैं आपको अभी इसे वेयर करके नहीं दिखा सकती, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप लोग इसे फिर से एक बार देख लीजिए, इसके अंदर आपको ऐसे चार कड़े मिलेंगे एंड ये सदा सौभाग्यवती भव का चूड़ा है। ये आप किसी भी ओकेजन में, किसी भी शादी में, किसी भी उसको क्या बोलते हैं, वो जो पूजा पाठ का जो माहौल होता है उसमें आप इसे पहन सकते हैं, ये काफी अच्छा लगेगा। एंड लास्ट जो है वो है ये ब्राइडल चूड़ा जो कि ब्राइड्स के लिए है। एंड ये भी मैं तो ये बोलूंगी कि अच्छा है, क्योंकि मैंने देख क्योंकि मैंने देख लिया है, मुझे मतलब मेरा जब पार्सल आता है ना तो मुझे लगता है कि मैं जल्दी से उसे ओपन करूं। सो ये चूड़ा है, ब्राइडल चूड़ा, ये चूड़ा ऐसा है और ये मैंने पहना भी है। मैं यहाँ फोटोज लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। मैं पहन के दिखाती हूँ। आपने अगर अभी तक वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी मैं इस तरह के वीडियोस लेकर के आऊं आप लोगों के लिए। देखिए ये जो है ये ब्राइड्स के लिए बहुत ही अच्छा चूड़ा है। अगर आप अंडर 1000 जाना चाहती है तो आप ये चूड़ा ले सकती हैं। ये मुझे ओनली एंड ओनली 825 में पड़ा था मीशो पे। देखिए बस सुंदर है ना, फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो इस ब्राइडल चूड़े का लुक पहनने के बाद कुछ ऐसा आता है, पूरी आपकी हाथ भरी भरी दिखेगी, बहुत अच्छा इसका भी लुक आता है। और ये चूड़ा भी मुझे बहुत पसंद आया है। आप लोग की अगर शादी होने वाली है तो आप लोग ये चूड़ा जरूर मंगा सकते हैं। ये अंडर 825 और 830 मैं प्राइस लगा दूंगी। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये बैंगल्स हॉल कैसा लगा, आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब एंड एक लाइक से ना मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होती हूँ। मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे ऐसे हॉल्स लेकर आ सकती हूँ। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट हॉल वीडियो में, तब तक के लिए बाय।